चंद्रायन गुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रक्षापुरम है ये जगह। मैं इतना एड्रेस इसीलिए बता दूं ताकि पूरे भारत देश को जानना पड़ेगा यहाँ पे क्या हरकत हो रहा है। कल का दिन गोकुलाष्टमी था, जहाँ हमारा कृष्ण भगवान का जन्म तिथि था। वो उस दिन हमारे एक भाजपा भाई ने बताया 16 मंदिरों को तोड़े हैं। क्या मजाक हो रहा है क्या यहाँ पर? शहर हैदराबाद के पुराने शहर रक्षापुरम इलाके में एक मंदिर में एक पागल की जानिब से कल रात पत्थर फेंकने का वाकया पेश आया। पुलिस फौरी मौके पर पहुंचकर पागल को अपनी हिरासत में ले लिया, लेकिन शहर के माहौल को खराब करने की गर्ज से भारतीय जनता पार्टी के लीडर माधवी लता और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कारकुन आज मंगल की सुबह से रक्षापुरम मंदिर पहुंचकर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की जानिबदारी भी इस मौके पर नजर आ रही है। इस मौके पर बजरंग दल के कारकुन की जानिब से मुसलमानों के गलियों में नारे लगाए जा रहे हैं। माधवी लता ने मीडिया से बात करते हुए शरंगेजी की और इल्जाम लगाया कि मंदिरों को हैदराबाद में तोड़ा जा रहा है। माधवी लता की इश्तेहालंगेजी के बाद बजरंग दल के कारकुनों ने गड़बड़ करने की कोशिश करते हुए मुस्लिम गलियों में नारे लगाकर इश्तेहालंगेजी की हरकत की। पुलिस ने फौरी तौर पर इन्हें गलियों से बाहर निकालने की कोशिश की। माधवी लता ने इस मौके पर AIMIM के लीडर्स को तनकीद का निशाना बनाया। पेश है खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और माधवी लता के ख्याल। रिपोर्ट siyasat.com। भारत देश जो हिंदुस्तान है, वहां तेलंगाना के राज्य में हैदराबाद जो पुराना बस्ती सांसद है उसके अंदर चंद्रायन गुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रक्षापुरम है ये जगह। मैं इतना एड्रेस इसीलिए बता दूं ताकि पूरे भारत देश को जानना पड़ेगा यहाँ पे क्या हरकत हो रहा है। कल का दिन गोकुलाष्टमी था, जहां हमारा कृष्ण भगवान का जन्म तिथि था। वो उस दिन हमारे एक भाजपा भाई ने बताया 16 मंदिरों को तोड़े हैं। क्या मजाक हो रहा है क्या यहाँ पर? हमारा गणेश चतुर्थी आ रहा है, आधी रात को 10 मीटर दूरी पे पुलिस स्टेशन है, 4-4 कैमरे लगाए हुए हैं। क्या है इनका हिम्मत? MIM वालों ने गुंडों के साथ आकर हमारा माता रानी दुर्गा का सर उड़ा दिए है। आज बता रही हूँ सारे देश को, हिम्मत नहीं होनी चाहिए हमारे मंदिरों के पास आकर हाथ लगाने के लिए। देख लेंगे, हम यही मांगते हैं आज कि MIM के MP और चंद्रायन गुट्टा के MLA आकर हमारा माता रानी के पास सर टोक कर माफी मांगना चाहिए। और तेलंगाना के एंडोमेंट्स और तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे मांगती हूँ, हमें न्याय चाहिए। चंगी चलने वाला न्याय नहीं, सच्चा न्याय चाहिए। इस मंदिर को इतना बड़ा मंदिर बनाना चाहिए, लेकिन उसके पहले MIM के MP और चंद्रायन गुट्टा के MIM के MLA के इधर क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि श्री राम नवमी के दिन जब हम तीर चलाते हैं, जहां तीर ही नहीं था वो मस्जिद जाता है, लेकिन कृष्णाष्टमी के दिन माता रानी का सर उड़ता है, तो ये लोग घर में बैठे हैं क्या? निकलो बाहर, आकर हम हिंदुओं को क्षमा पूछो। जय बोलो भारत माता की, जय।